कि मुझे क्वारंटीन में रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं सर, हम घर तो जा सकते हैं सर, लेकिन ये समाज के लिए अच्छा नहीं है सर। ये क्वारंटीन का 21 दिन का पालन करता है तो हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे खुद के लिए ये भलाई है। खुद की भलाई करेंगे तो समाज की भी भलाई होगी और समाज की भलाई होगी तो पूरे देश की भलाई होगी सर। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। लोग हलकान हैं, परेशान हैं और किसी भी हाल में तुरंत अपने घर जाना चाह रहे हैं, लेकिन नियम है कि आप, कोरोना का दौर चल रहा है तो इसमें एक नियम बना दिया गया है कि आप जब प्रदेश से अपने प्रदेश लौटते हैं तो आपको सीधा घर नहीं भेजा जाएगा, आपको क्वारंटाइन में रहना है। 21 दिनों के क्वारंटाइन में रहना है, अलग थलग रहना है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे ही लोगों में से एक परिवार ऐसा भी है जो बेंगलोर से वापस जमुई तक पहुंच चुका है और वो अपने घर नहीं जाना चाह रहा। इस दंपति में पति पत्नी और उसके दो बच्चे हैं, वो सिकंदरा के रहने वाले हैं और घर इसलिए नहीं जाना चाह रहे हैं कि उन्हें डर है कि उनके अंदर कहीं वायरस ना आ गया हो और वो वायरस अपने वो घर, समाज, गांव और परिवार में ना बांट दें। कल जमुई वो पहुंचे थे, जमुई से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उन्हें ब्लॉक हेडक्वार्टर कल पहुंचा दिया गया, वहां प्रौद्योगिक केंद्र में उन्हें रखा गया है बाकी और श्रमिकों के साथ। इस ये परिवार एक रूम में वहाँ पर रह रहा है और बिल्कुल परेशान भी नहीं है। उनका साफ कहना है कि हम यहाँ तक तो आ गए, घर ही पहुँच चुके हैं, लेकिन अपने गांव, अपने घर में वो नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ पर डर है कि कहीं ये बीमारी उनके माध्यम से उनके परिवारों और समाज में ना चला जाए। परेशानी के बारे में, वहाँ से आने के बारे में उन्होंने कहा है कि वहाँ परेशानी हो गई थी, बंद हो गया था, बाज़ार बंद था, पूरा लॉकडाउन की स्थिति में खाने पीने की दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो यहाँ तक आ गए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, गांव जाना परेशानी का सबब बन सकता है हर लोगों के लिए, तो ऐसा उन्होंने कहा है। और अभी सिकंदरा के क्वारंटाइन सेंटर में हैं वो, हम आपको मिलवाते हैं उस दंपति से, आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभाकर कुमार है सर। मैं नावाडी पोस्ट मथुरापुर थाना सिकंदरा जिला जमुई बिहार का निवासी हूं सर। मैं बेंगलोर से आया हूं सर और अभी ये कोरोना महामारी बहुत फैल रही है, जिसलिए मैंने सोचा, मैं खुद का निर्णय लिया है सर कि मुझे क्वारंटीन में रहना बहुत ज़रूरी है। एक बात सामने आ रही है कि अभी वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप पूरे देश में है और देखा यह जा रहा है कि जो बाहर में लोग रह रहे थे, प्रवासी जो बाहर में, बिहार के बाहर रह रहे हैं जो लोग, वो लोग जो लॉकडाउन चल रहा है इस पीरियड में, वहाँ से परेशान है लोग कि जल्द किसी तरह से हम घर पहुँच जाएँ। आप जमुई आ चुके हैं, फिर जमुई आने के बाद भी आप क्वारंटाइन सेंटर में हैं जबकि आपको घर जाने का ऑफ़र भी मिला था कि घर में आप क्वारंटाइन हो जाइए, तो इसका क्या कारण है? नहीं सर, हम घर तो जा सकते हैं सर, लेकिन ये समाज के लिए अच्छा नहीं है सर, क्योंकि हम गांव जाएंगे तो संयोग बस वो वायरस वहाँ भी जा सकता है संयोग बस, लेकिन अगर मैं समाज से दूरी रह के, अगर मैं ये क्वारंटीन का 21 दिन का पालन करता है तो हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे खुद के लिए ये भलाई है, ताकि हम खुद भी अच्छा रह सके, हमारे समाज भी अच्छा रह सके। और मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि कोई भी प्रवासी मजदूर अगर वो अपने गांव आए तो वो कभी भी अपने घर ना जाए, पहले वो 21 दिन का क्वारंटीन हो ले, उसके बाद ही वो अपना घर जाए, क्योंकि हमारे प्रखंड सिकंदरा के ये भवन में जहाँ हम क्वारंटीन हैं, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, रहने का, खाने का, हर चीज़ का बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ, वो कोई भी आए बाहर से, बेंगलोर से आए, दिल्ली से आए, मुंबई से आए, तो पहले अपने प्रखंड कार्यालय में 21 दिन के क्वारंटीन हो ले, उसके बाद ही अपने घर को प्रस्थान करें। अमूमन ऐसा देखा जा रहा था कि जिनका घर हुआ यहाँ, जैसे आप बाहर से आए, आपके परिवार भी यहाँ पर होंगे, गांव में घर वाले भी होंगे, बहुत से लोग होंगे, उनका क्या दबाव नहीं पड़ रहा था कि घर आ जाइए और घर में रहिए, वहाँ क्वारंटाइन हो जाते हैं, इस तरह का क्या घर वाले क्या कह रहे हैं? सर, घर वाले को तो बोल सकते हैं, वो बोलते हैं कि आप घर चले आइए, लेकिन हमारा खुद का भी एक होनी चाहिए, क्योंकि समाज भलाई है तो देश की भलाई है,
फिर हमारी भी भलाई है, इसलिए हम खुद की भलाई करेंगे तो समाज की भी भलाई होगी, और समाज की भलाई होगी तो पूरे देश की भलाई होगी सर। इसलिए इस वैश्विक महामारी में कोई भी लापरवाही ना करें। अच्छा, आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है? हाँ सर, मेरा नाम ममता देवी है, मेरा दो छोटा छोटा बच्चा है, हम लोग बेंगलोर से आए हैं, आज ही आए हैं यहाँ है, और खाने पीने का पूरा व्यवस्था है, बहुत अच्छा से रह रहे हैं, कोई दिक्कत। कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ बहुत अच्छा ही फील कर रहे हैं, कोई व्यवस्था सही है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। आपको नहीं लगा कि घर चलना चाहिए? नहीं सर, हम लोग जितना दिन बोलेंगे रहने के लिए उतना दिन रहेंगे, और बहुत अच्छा से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बच्चे क्या बोल रहे हैं? बच्चा तो पूरा मस्ती कर रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि लॉकडाउन है या तो और कुछ है, ये लोग बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ बेटा आपका? दीपा कुमारी। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। घर जाने का मन नहीं कर रहा है? इक्कीस दिन के बाद जाएंगे। अच्छा, 21 दिन के बाद जाएंगे, है ना? अच्छा, और ये पर यहाँ पर आपको कैसा, क्या जो सुविधाएं हैं उसमें क्या लग रहा है? सारी नहीं सर, बहुत अच्छी सुविधा है सर, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमको बहुत पसंद आया सर। और मैं खासकर मैं सिकंदरा प्रखंड के वासियों से मैं यही आग्रह करूँगा कि कोई भी प्रवासी मजदूर अगर वो सिकंदरा प्रखंड से हो और वो जब आए अपने गाँव को आए, तो पहले वो अपने प्रखंड के भवन में वो 21 दिन के लिए क्वारंटीन हो, उसके बाद ही अपना घर को जाए। तो देखा आपने, कोरोना से जो लड़ाई चल रही है पूरे देश के साथ, ये दंपति हैं, पूरा परिवार इनका साथ में है, ये बाहर से आए हैं और गांव पहुंच चुके हैं, गांव तो नहीं आप कहिए कि ब्लॉक हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं, और यहां से इनको गांव जाना था, इनको ऑफर भी मिला था कि ये अपने गांव जा सकते हैं, घर में क्वारंटाइन हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने साफ कहा कि नहीं, समाज को बचाना है, वैश्विक महामारी से समाज को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो पहले जो रूल दिया गया है क्वारंटाइन का उसको पूरा करेंगे, उसके बाद ही ये घर जाएंगे। कि मुझे क्वारंटाइन में रहना बहुत ज़रूरी है? नहीं सर, हम घर तो जा सकते हैं सर, लेकिन ये समाज के लिए अच्छा नहीं है सर, ये क्वारंटीन का 21 दिन का पालन करता है, तो हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे खुद के लिए ये भलाई है, खुद की भलाई करेंगे तो समाज की भी भलाई होगी, और समाज की भलाई होगी तो पूरे देश की भलाई होगी सर।